हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय में आज कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वरिष्ठ नेतागण और संसद कार्यकर्ता मौजूद रहे, जैसे दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, आशा लकड़ा। इसके साथ ही महिला मोर्चा भी मौजूद रही। इस बैठक में कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं, प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। हमारे प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे और पूरे राज्य के सभी जिलों में, जिला केंद्रों पर हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सांसद, विधायक सभी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ। इसमें बाकी सारे नेताओं का भी मार्गदर्शन इस बैठक में आया। बैठक की शुरुआत में ही, उद्घाटन भाषण में ही हमारे अध्यक्ष जी ने, जहां एक ओर केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार के किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था, राज्य के रुके हुए विकास के कार्य, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, राज्य में बढ़ते अपराधीकरण, इन सारे बिंदुओं को लेकर उन्होंने इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा की। मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर केंद्र सरकार जो पूरे देश में विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, समाज के सभी वर्गों को, खासकर जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज, हमारे पिछड़े वर्ग और हमारे गरीब लोग, जिनको ध्यान में रखकर सरकार विकास का कार्य कर रही है, इन सारी कार्यों को कार्य समिति ने प्रशंसा किया है और मोदी जी के प्रति आभार प्रकट किया है। विषय में पूरे कार्य समिति में समय सीमा के अंदर सारे कार्य समिति आज पूरा हुआ, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और अभी पूरा रजिस्टर पहुंचा नहीं हम लोगों के पास, लेकिन कितने संख्या में लोग जुड़े, अधिकांश लोग हमारे इस कार्य समिति में जुड़े हैं और बाकी जो फीडबैक फिर आएगा बाद में आपको हम बताएंगे। आज के समय में यदि कोई बात हो तो आपसे धन्यवाद। आप पंचायत का चुनाव करा के जो नीचे स्तर की सत्ता है आप वहाँ के लोगों को दे, गांव के लोगों को दे और वहाँ की व्यवस्था ठीक से चल सके। चुनाव नहीं होने के कारण कई तरह की केंद्रीय जो सहायता राशि है वो भी नहीं मिल पाती है, विकास का कार्य ठप पड़ता है, केवल भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है। मित्रों, तीसरा बात कि केवल जनता को भ्रम में रखकर यह सरकार आई, युवाओं को जिस तरह से छलने का काम किया, उसने कहा कि हम 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि जो लोग रोजगार में लगे थे उनको भी वहां से हटाने का काम किया, वो सब आपके सामने है। आज का वर्तमान प्रेजेंट घटना घटी है कि जिस तरह की अनियमितता इनके जेपीएससी में हुई है, जिसको लेकर यहाँ के छात्र आंदोलन में थे और उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यह सरकार लाठी के बल पर चलाना चाहती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण के मुद्दे पर जिस तरह से विधानसभा का घेराव किया था और इन्होंने लाठी के चार्ज के माध्यम से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिसमें घायल हुए थे, उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था, उसका पुनरावृत्ति आज भी इन्होंने किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक, हमारे नेता राज्यपाल के यहाँ जाने वाले हैं और मांग रखने वाले हैं कि ऐसी व्यवस्था इस सरकार की नहीं चलेगी, इस पर राज्यपाल महोदय ध्यान दें। यह है आज अर्जुन मुंडा जी कोलकाता से इस बैठक में जुड़े हुए थे और इस कार्य समिति को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कि यहाँ के जनजाति गौरव दिवस, यहाँ के झारखंड में संग्रहालय, देश के अंदर 10 ऐसे संग्रहालय बनाने का मंजूरी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए जो 750 एकलव्य विद्यालय पूरे देश के अंदर
बनाने की मंजूरी हुई है, स्वीकृति हुई है। झारखंड में 63 से ज़्यादा एकलव्य विद्यालय बनाने की स्वीकृति हुई है। इसके माध्यम से उस जनजाति छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने में, उस सुदूर गांव के स्कूलों में आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। इसके माध्यम से इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।